कैबिनेट की बैठक में कल राज्य सरकार ने किराना स्टोर और सुपरमार्केट में शराब की बिक्री की अनुमति देने का निर्णय लिया है। महाविकास अघाड़ी कितनी भी कोशिश कर ले, हम महाराष्ट्र को मग राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसी संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर द्वारा आज वैरायटी चौक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंक कर आंदोलन किया गया। राज्य सरकार द्वारा सुपर बाजार में दारू बेचने की छूट का भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध किया है। इस आंदोलन में भाजयू में शहर अध्यक्ष पारेंद्र पटले ने विरोध करते हुए कहा कि हजारों समस्याओं को छोड़कर महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य नागरिकों को शराबी बनाने पर तुली है। राज्य में एसटी कामगार भीख मांग रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं जिससे नागरिक त्रस्त है, कोविड से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनके रिश्तेदार अस्पतालों में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मंत्री 2 महीने से ज्यादा घर में रहे और आते ही उन्होंने सुपर बाजार एवं किराना दुकान में वाइन बेचने का निर्णय लिया, जिसका आज हम विरोध करते हैं। ऐसा भाजपा के नगर महासचिव सचिन करारे ने बीसीएन न्यूज से संवाद साधते हुए कहा। साथ ही आंदोलन करते हुए उद्धव ठाकरे का पुतला फूका, मग बिक्री का विरोध किया गया। इस सरकार जनहित के लिए कुछ भी करने रही है। आज दारूबंदी का विषय, दारूबंदी, दारू हर घर में अभी चालू कर दिया, दुकान किराना दुकान जनरल स्टोर में। ये सरकार नेता नाबूद सरकार है जो लोगों के बीच में लोगों के मुद्दे नहीं सुन रही है और लोगों को ये अपने जवाब नहीं दे रही है। इसके लिए मैं वो जो सर जो कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ। कल राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय दिया गया है कि अब मॉल में भी जो है वाइन मिलेगी, उसके खिलाफ जो है भारतीय युवा मोर्चा द्वारा आज आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है सचिन केकरे जी है, जानते हैं उनसे आज जो आंदोलन किया गया है, क्या बताओ। कल महाराष्ट्र के कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि सुपर माल में खुलेआम दारू का व्यवसाय होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ महाराष्ट्र है, लोकमान्य तिलक जी का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र करने की ओर शरद पवार जी की और उद्धव ठाकरे जी की संकल्पना है, हम इसको होने देंगे नहीं। एक तरफ आप देखते हो कि 18 साल के बच्चों को दारू के दुकान में जाने की परमिशन नहीं है, देसी भट्टी में जाने की परमिशन नहीं है, वाइन शॉप में जाने की परमिशन नहीं है। मॉल में वो 8वीं में पढ़ने वाला, 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा जाएगा, आज वाइन पिएगा, कल बियर पिएगा, कल दारू पिएगा, तुम क्या बनाना क्या चाहते हो। यहाँ के लोगों, यहाँ के महाराष्ट्र के युवाओं को शूरवीर बनाने से बनाना चाहिए, ऐसे कुछ निर्णय लेना चाहिए। माल में बेचना चाहिए तो कोई अच्छी चीज़ें बेचने की परवानगी देना चाहिए, तुम वाइन बेचने की परवानगी दे रहे, क्योंकि शरद पवार जी के दारू के कंपनी को लाभ होना चाहिए करके। ऐसे हम महाराष्ट्र के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे जब तक हमारे प्राणों में प्राण है। आज ये आंदोलन की शुरुआत है, ये तो अभी झांकी है, इसके बाद में हमारे प्रवीण जी दटके इनके नेतृत्व में अब हर गली हर बूथ पर जाके तीव्र आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम कदापि हम पीछे हटेंगे नहीं। अगर अगले कैबिनेट में निर्णय इन्होंने पीछे नहीं लिया तो और तीव्र आंदोलन हम करे हुए रहेंगे नहीं। बिल्कुल, जैसे कि कल मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण भी दिया है कि किसानों को, मतलब किसानों को मदद हो सके इसलिए ये निर्णय लिया गया है, इस पर क्या कहोगे। किसानों को क्या मदद किए तुमने, बिजली बिल माफ किए नहीं, किसानों का कर्जा माफ किए नहीं, अभी इतना बरसात आई, किसानों का इतना नुकसान हुआ, क्या दिया किसानों को। आप तो सब देख रहे हैं कि किसानों के क्या हाल है, किसान आत्महत्या करने के और शरद पवार के कंपनी को लाभ पहुंचाने का ये सरल उपयोग है किसानों के नाम लेकर। किसानों का कोई हित नहीं है, खाली शरद पवार और अजित पवार की दारू के कंपनियों को लाभ होना चाहिए, इसीलिए इनका ये उद्योग है। बिल्कुल, आज के आंदोलन से लगता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार निर्णय बदलेगी। निर्णय उनको बदलना ही पड़ेगा, ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, इसके सिवा रस्ते पे उतर के हम जोरदार आंदोलन करेंगे। तो हमने देखा कि भारतीय युवा मोर्चा द्वारा आज जो आंदोलन किया गया है और कहा गया है ये सिर्फ जो है किसानों के नाम पे जो है शरद पवार की कंपनियों को फायदा हो सके इसलिए ये निर्णय जो है कैबिनेट में लिया गया, ऐसा भारतीय युवा जनता मोर्चा द्वारा कहा गया है। अब देखना होगा कि ये आंदोलन कहाँ तक चलता है और महाविकास आघाड़ी अपना निर्णय बदलती है या नहीं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज नागपुर।